बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AR007। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप हमारी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा हम अपनी DPC को किस तरह वाटरप्रूफ कर सकते हैं। इससे पहले हम प्लास्टिक शीट या पत्थर का इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन ये प्लास्टिक शीट पत्थर दोनों प्लेन होते हैं, और जब हम दोबारा इसके ऊपर चिनाई स्टार्ट करते हैं तो हमारी ऊपर वाली बिल्डिंग और नीचे बुनियादें जो हमारी होती हैं वो अलग-अलग से होती हैं, उनकी पकड़ आपस में नहीं हो पाती। हमें किसी ऐसे मटेरियल की ज़रूरत थी जिसे हम अप्लाई करें उसमें जोड़ भी ना हो, और जब हम ऊपर चिनाई स्टार्ट करें तो उसकी ऊपर वाली बिल्डिंग के साथ पकड़ भी आसानी से हो जाए। तो ये मटेरियल बहुत सस्ता तरीन मटेरियल है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। ये स्विमिंग पूल और टॉप की छतों में या वाटर टैंक के अंदर इस्तेमाल होता है, तो हमने सोचा कि आपके साथ भी ये शेयर कर लें। तो इसकी 16 kg पैकिंग है, 5 लीटर इसमें लिक्विड है और 11 kg इसके अंदर पाउडर है। दोनों को मिक्स करने के बाद आपने DPC पर अप्लाई करना है और ये ब्रश के साथ अप्लाई होगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि DPC के अंदर कौन से मसाम वगैरह हो जाते हैं जो हमने बंद करने होते हैं। ये देखें, इसके साइडों पे भी और इसके टॉप पे भी ये मसाम वगैरह, ये पोर्स वगैरह रह गए हैं। इनको हम जब तक बंद नहीं करेंगे हमारी DPC से ऊपर नमी वगैरह या सिल वगैरह जाने का वो चांस मौजूद होंगे। अब इसको अप्लाई किस तरह करना है मैं आपको ये दिखाता हूँ। 2 कोट आपने इसके करने हैं और अच्छे से करने हैं ताकि कोई मसाम या पोर्स वगैरह वो ना रह जाएं। ये देखें, ये ब्रश के साथ अप्लाई हो रहा है जी, केमिकल है ये और सील इसका नाम है। मार्केट में ये आसानी से मिल जाता है। और ये टॉप से ये देखें, जैसे जैसे इसको अप्लाई करते जाएंगे ठीक ये आधे घंटे बाद या 1.5 घंटे 1 घंटे बाद इसकी ये खुश्क हो जाता है। ड्राई होने के बाद आप इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। साइड के मसाम भी आपने इस तरह बंद कर देने हैं ताकि यहाँ से नमी वगैरह ऊपर ना जा सके। अब सवाल ये है कि ये केमिकल मिलता कहाँ से है। डिस्क्रिप्शन में मैं उनका नंबर दे दूँगा, आप डायरेक्ट उनसे रابطہ करके केमिकल हासिल कर सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप क्वालिटी को मेनटेन रखते हुए अपने पैसे को किस तरह सेव कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।